नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्रेमी से किन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिन आपको मतलब जिस पे बात नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा लगे हो तो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बातें करनी चाहिए, क्या बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब आप शुरू में बात करते हैं फ़ोन पे, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफ़ी दिनों से बात नहीं की हुई, तो हो सकता है इस दौरान आपके बॉयफ्रेंड की तबीयत वगैरह ख़राब हुई हो, तो सबसे पहले तो हाल चाल पूछना चाहिए। तो ऐसा करने से उसके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और उसको फीलिंग आएगी कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड उसका कितना ख्याल रखती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, फ़ोन पर या आमने सामने, आपको सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड का हालचाल पूछना चाहिए। ऐसा करने से उसके मन में बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, तो हालचाल पूछना पहला प्रेफरेंस रहेगा। सेकंड चीज़ जो आप पूछ सकते हो वो ये है कि भाई उनका दिन कैसा रहा। देखिए, हर रोज़ एक जैसा नहीं रहता है। सपोज आप 2 दिन बाद मिल रहे हो, तो कल का दिन कैसा था, आज तक का दिन जो अभी तक है वो कैसा रहा। तो आपको बीएफ से बात करने का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके दिन के बारे में पूछिए कि आज का दिन कैसा था, आज के दिन में क्या कुछ सही रहा या फिर क्या कुछ घटा। तो इस प्रकार का सवाल करके आप अपनी बॉयफ्रेंड को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हो, और इतना ही नहीं, उसे अच्छा भी लगेगा। तीसरी चीज़, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबको सुनने में अच्छा लगता है, वो होता है आई लव यू। ये 3 शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हर बॉयफ्रेंड की उम्मीद होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको बार बार ये 3 शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ऐसा करने से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको मन में इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप पूछो मत। लेकिन आपको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब कभी भी आप अपने प्रेमी से बात करो तब बात ख़त्म होने से पहले एक बार उसको आई लव यू वेरी मच ज़रूर बोलना चाहिए, ख़त्म होने से पहले भी और शुरू होने से पहले भी और समाप्त होने के बाद भी। उसके बाद और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफिस में भाई दिन कैसा था। अगर ऑफिस में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है तो फिर ये ज़रूर पूछना चाहिए कि ऑफिस का जो आपका दिन कल कैसा था या आज कैसा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर बीवी अपने पति के घर आने के बाद उसका ऑफिस में दिन कैसा रहा इसके बारे में ज़रूर पूछती है। तो इससे अपनेपन की भावना पैदा होती है, क्योंकि हो सकता है कि ऑफिस में उसके अपने बॉस से अनबन हो गई हो और वो टेंशन हो, तो आप उस टेंशन को समाप्त कर सकते हो अपनी प्यारी प्यारी बातों से। वीकेंड प्लान के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो ऐसे में हम वीकेंड जाएँ बाहर या नहीं जाएँ, कम से कम फिल्म वगैरह तो देखने जा ही सकते हैं। तो टॉपिक्स बहुत सारे जो आप बात कर सकते हो, पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं भी बात करना चाहिए। जैसे मैं आप बता दूँ कि बीएफ से कभी भी गलत टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, इससे आप बॉयफ्रेंड की नज़र में गलत लड़की साबित हो सकते हो। खास करके नए रिलेशनशिप में बीएफ से कभी भी रोमांटिक टॉपिक पर बात नहीं करना चाहिए, और रिलेशनशिप पुराना भी हो तो भी हर वक्त रोमांटिक टॉपिक पर बात नहीं करना चाहिए, और एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी बात नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बॉयफ्रेंड की नज़र में बैड कैरेक्टर की लड़की साबित हो सकते हैं। हालांकि आज उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता हमारे समाज में, फिर भी ना ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बीएफ को लग सकता है कि अभी भी आप एक्स बीएफ को याद करते हैं, तो इस टॉपिक पर आपको बात नहीं करना है। उसके बाद अपनी फीलिंग बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। देखिए, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक आप दोनों एक दूसरे से अलग रहते होंगे, तो ऐसे में आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आती होगी, तो आपको अपने बॉयफ्रेंड को अपने दिल की हर एक फीलिंग शेयर करनी चाहिए और आप उसे कहें कि आप उसको कितना ज़्यादा मिस करती हैं, ये बताना ज़रूरी होता है। और हर लड़की के दिल में अपने बॉयफ्रेंड के प्रति कुछ ना कुछ फीलिंग होती है, और हर एक लड़के को भी अपने गर्लफ्रेंड के प्रति कुछ ना कुछ फीलिंग होती है, तो वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। उसके बाद आप खाने के टॉपिक पे बात कर सकते हो कि भाई आपको खाने में क्या पसंद है, या
दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हालांकि जब कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो कि भाई आपने कल क्या 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 खाया, कल आपको क्या सबसे अच्छा लगा। तो खाने का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं। पार्टनर से पूछना है कि वो खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, और अगर आप उनके लिए कुछ पकाना चाहो तो आपके हाथों से खाना पसंद करेंगे। तो एक प्रकार से आप एक दूसरे से इस विषय पर बात करके कहीं ना कहीं रोमांटिक बातें भी कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे पसंद की बात आ जाती है। मिलने की प्लानिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट डे मीटिंग, आफ्टर टू डेज मीटिंग या वीकेंड मीटिंग। आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कितना ज़्यादा बेताब हैं, बॉयफ्रेंड भी बेताब रहते ही हैं। तो एक मीटिंग का टाइमिंग फिक्सअप कर सकते हैं और इस टॉपिक पर आप बातें कर सकते हैं। उसके बाद जब मीटिंग की बात करते हैं तो रोमांटिक डेस्टिनेशन पर जाने की भी बात कर सकते हैं। हर कोई अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं एक खाली समय में रोमांटिक डेस्टिनेशन पर जाना पसंद करता है। आपको ही पसंद हो तो आप अपने बीएफ से बात करने का टॉपिक भी मिल जाएगा कि चलो अगर डेस्टिनेशन फिक्स है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर आप बातें कर सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा रोमांटिक बातें अगर आप बहुत गहरे रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में हैं, तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, तो आपके पास एक अच्छा सा टॉपिक मिल जाता है। फिर अपने बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें वो काफ़ी हंसते होंगे, या तो पुरानी बातें या कोई नई बातें, या आपके घर में ऐसी कोई घटना हुई जिस पर ऑटोमेटिक आपको मालूम है कि हंसी आ ही जाएगी। तो एक अच्छे रिलेशनशिप की खूबी ये होती है, एक दूसरे को हंसाना चाहिए। प्यार करने वाले को अपने प्रेमी के होठों पर मुस्कान से ज़्यादा और क्या चाहिए, बताइए। उसके बाद एक दूसरे से दूर कैसे रहते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती वो अपने घर, आप अपने घर, तो वो जो एक फीलिंग है कि मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ, या वो भी कह सकते हैं कि मैं कितना मिस करता हूँ। तो यहाँ पे एक इमोशन लेवल की बातें हो जाती हैं जिस टॉपिक पे आप आसानी से थोड़ी देर बातें कर सकते हैं। फिर जब मिलेंगे तब क्या कुछ स्पेशल करेंगे, या कोई फलना डेट है, दिवाली हो, दशहरा हो, आपका वैलेंटाइन डे हो, उस वक्त मिलेंगे तो क्या काम करेंगे, क्या करना चाहिए, उसकी प्लानिंग कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग तक भी कर सकते हो। रोज़ाना मिलते रहते हैं, परंतु जो लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं उनका तो एक दूसरे से मिलना रोज़ रोज़ संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी जो लोग अलग अलग रहते हैं वहाँ पर मिलेंगे तो क्या करेंगे, इस टॉपिक पर आप बिल्कुल बातें कर सकते हो। ढेर सारी उनकी पसंद पूछ सकते हो अपने बीएफ की कि क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है, परफ्यूम पसंद है, पैंट पसंद है, टी शर्ट कैसा पहनना है, कोई ब्रांड पसंद है, इस टॉपिक पे भी बात कर सकते हो। तो फिर ये टॉपिक पर जब आप बात करते हो तो ये है कि कभी ना कभी आप उनकी इस पसंद को पूरा करने की कोशिश कर सकते हो कि भाई चलो आज ये चीज़ महंगी है, आप नहीं बाई आउट कर सकते। तो कभी ना कभी जब पैसे आएंगे तो आप बाई आउट कर सकते हो, आपकी जॉब लगी तो बाई आउट करके दे सकते हो। उसके बाद एक टॉपिक और भी है कि अपने रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोच रहे हो, इसके बारे में बात करेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को किस लेवल पे पहुंचाना चाहते हो, कहाँ तक ले जा सकते हैं, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो वहाँ पर मम्मी डैडी सबकी बातें आ जाती हैं, तो इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है जिसमें शायद नहीं आपको बात करना चाहिए, और वो टॉपिक है पर्सनल चीज़ें। आप भले ही बीएफ से बहुत प्यार करते हो पर भावनाओं में आकर घर और पर्सनल चीज़ कभी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो कभी कभी जब तूतू मैं हो जाती है ना तो पर्सनल चीज़ें ज़बान पे आ जाती है, इससे रिलेशनशिप और ख़राब होने के चांसेस होते हैं। फिर बीएफ से कभी भी किसी दूसरे लड़के के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो 100% हर्ट होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। और एक्स बॉयफ्रेंड का तो बात ही नहीं करना चाहिए। फिर कई लड़कियां बॉयफ्रेंड से पैसे मांगने में तनिक भी शर्माती नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें मांग लेती हैं। मैं सबके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं 1% की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ दिन ही बीएफ झेल पाते हैं, और फिर ऐसी लड़कियों को लालची समझ कर एक्चुअली में थोड़े से इग्नोर करने लगते हैं, तो मांगना नहीं चाहिए कभी भी। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है, और एक छोटी सी गलती बीएफ के मन में आपके प्रति प्यार कम कर सकता है, और रिलेशनशिप बहुत ही नाजुक चीज़ होता है।
इसलिए बीएफ से ऐसे टॉपिक्स पर बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बीएफ की बातों को सपोर्ट करना चाहिए अगर वो सही हो तो। देखिए कभी खुशी कभी गम का ये जो चक्र है हमेशा चलता रहता है। तो एक अच्छी गर्लफ्रेंड होने के नाते आपको चाहे बुरा वक्त चाहे या वक्त अच्छा हो, हमेशा बॉयफ्रेंड को साथ देना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे का जो चक्र वो हमेशा चलता रहता है। तो अगर बुरे समय में उसका साथ नहीं देती हैं तब आपने अपने और गैरों में कोई फर्क नहीं रह जाता, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। आप उसको बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी, आपका एक डायलॉग एनफ हो जाता है। फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई जीवन में अपने बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हो कि आपके लाइफ का फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें नौकरी, शादी, बच्चे, घर, नौकरी करना चाहते हैं तो कितने सैलरी की नौकरी करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपसे कैसे प्यार करना चाहता है इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए हर एक पति पत्नी या फिर हर एक बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर से कुछ अपने ही अंदाज में प्यार करने की इच्छा रखता है और उसकी इच्छा उसके मन में ही रहती है और वो अपनी इच्छा के बारे में अपने पार्टनर से भी कुछ नहीं कह सकता है, पर आप उनके दिल को टटोल सकते हैं कि भाई वो कैसे मतलब बात कर सकता है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप 2 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस पे आप काफ़ी देर तक बातें कर सकते हैं। हर लड़के की दिलचस्पी अपनी गर्लफ्रेंड की चीज़ों में होती है, तो अपनी चीज़ों के बारे में बीएफ को बताएं कि मुझे ये अच्छा लगता है, आज मेरे साथ ये हुआ, तो ऐसे टॉपिक्स पर बीएफ की दिलचस्पी बढ़ती है। अपनी बातें आप शेयर कर सकते हो, जैसे आप बहुत चुप रहते हो तो सिर्फ हाँ हाँ कहते हो, तो बस आपको ही बात करना पड़ेगा। बीएफ से बात करने के जो टॉपिक्स हैं वो मजाकिया अंदाज में बात करें, जब तक आप मजाक मस्ती नहीं करेंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप भी मजाक मस्ती किससे करोगे, बीएफ से ही करोगे। तो बीएफ से अपनी नॉर्मल बातें शेयर करना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, पर सीक्रेट बातें शेयर नहीं करना चाहिए और अपनी बातों को रोमांटिक आवाज़ में बोलें ताकि बॉयफ्रेंड को कुछ फील हो और वो आपसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने लगे। आप कैरियर पर बातें कर सकते हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसको जीवन में अपना क्या करना है, किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। तो जब ये बातें करते हो तो कुछ बताएंगे, आपको भी खुशी होगी कि आपका बॉयफ्रेंड इतना अच्छा सोच रहा है। अगर वो कुछ गलत सोच रहा है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं उससे अच्छा ये होगा, हो सकता है आपकी बातों से कन्विंस होकर वो बहुत अच्छा कर जाए, अपने कैरियर में अच्छा कर जाए, तो आपको ही खुशी होगी। रोमांटिक टॉपिक पर बात करने के अलावा आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, कुछ बातें नहीं भी करनी चाहिए, बॉयफ्रेंड से कभी भी ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अन्य बेपरवाह लड़कियों के जैसा देखने के लिए विवश हो जाएगा। और बॉयफ्रेंड से बात करने के दौरान अपने ऊपर कंट्रोल रखकर बात करना चाहिए। बॉयफ्रेंड से अपनी पारिवारिक इनकम सोर्स और पारिवारिक इनकम के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उसका प्यार आपसे कम, आपकी धन दौलत से ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बल्कि चांसेस कम ही रहते हैं। बॉयफ्रेंड से बात करने के टॉपिक्स, उसको छेड़ने में जो मज़ा है उसका चेहरा देखने लायक होता है, तो आप ऐसी बातें कर सकती हैं जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाए, पर इतना भी कुछ नहीं करना चाहिए कि वो ज़्यादा गुस्सा हो जाए। जैसे कि आप कह सकते हैं अरे यार मैं कल शादी में गई थी, एक लड़का बहुत गोरा चिट्टा था, क्या लग रहा था, या मेरे बचपन का एक स्कूल फ्रेंड था और मुझे बहुत मानता था और वो दिखता ही नहीं है, तो इस तरह से आप उसको छेड़ते हो। तो यहाँ पे आपके बॉयफ्रेंड के चेहरे का जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें, फ़नी बातें आप कर सकते हो, वो क्या करता है उसके बारे में पूछो, बचपन की बातें कर सकते हो, उसके बचपन के दोस्तों के बारे में पूछो, उसके हॉबीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं कि भाई उसके क्या क्या हॉबीज़ हैं। तो ये सब जब आप पूछते हो तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। अगर आपके जीवन में आपको कोई एक्स है तो उसके बारे में तो बात करना ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या करना चाहिए बात और क्या बात नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।